हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आपका स्वागत है अवल क्लासेस में। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश गहलोत। स्टूडेंट्स, अब तक अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। आज ये 4th लेक्चर है। अगर आपने वो तीनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से प्लीज़ उन्हें देखें, फिर ये 4th लेक्चर देखना अपने स्टार्ट करें। अगर स्टूडेंट्स आपके कोई भी क्वारी आ रही है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है या इन लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे से पूछें, और अवल क्लासेस के फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। उनकी जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ जाके मेरे को फॉलो करें, और कोई भी डाउट है या कोई भी क्वारी है तो मेरे तक सीधा पहुँचाइए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपना जो टॉपिक है उसका क्या नाम है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, उसमें पूछा है कि पहली 20 टर्म्स का आपको सम निकालना है, यानी कि योग निकालना, उनको जोड़ना है। तो उनको आप क्या करोगे, या तो 20 टर्म को आप सीधा जोड़ लो, तो वो क्या हो जाता है, मेथड थोड़ा हार्डली पड़ जाता है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, हमने सम ऑफ फर्स्ट ऑफ एन टर्म्स बोलते हैं। तो चलिए अपन क्या करते हैं, उस फॉर्मुलेशन का डेरिवेशन करते हैं। उससे पहले आप क्या कीजिए, आपने छोटी क्लासों में आपने ये जोड़ा होगा, ये देखा होगा आपने, जिसे मान लो एक से लेके 100 तक अपने क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको जोड़ना है, तो उनकी वैल्यू कितनी आती है, वो एग्जांपल आप पहले करके देखें। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करते हैं, वो कैसे आया, वो इसके थ्रू ही आता है। तो देखें अगर मैं क्या लिखता हूँ, 1 से 100 तक की गिनती को जोड़ता हूँ, तो देखें 1 + 2 + 3 अप टू ये जाएगा 99 + 100, ये जाएगा। अब आप क्या करें, इनको जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक नहीं है, आप कह सकते हैं आप मेथड है वो। मेथड क्या है, एक तो मेथड है कि आप इनको सीधा जोड़ लीजिए, वो थोड़ा ट्रिकी मेथड हो जाता है। इनको जोड़ो, सारी अपने जो टर्म्स हैं उनको जोड़ो और फिर उनका सम निकालो। वैसे भी आप कर सकते हो, लंबा चौड़ा मेथड हो जाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें। तो क्या मेथड है बताइए आप, तो बताते हैं। देखो इधर आप क्या कीजिए, ये जो एपी टाइप है, 2, 3 अपने चल रहा है, अपने कॉमन डिफरेंस क्या है, 1-1 का कॉमन डिफरेंस है ना, तो इनका अपने सम करना है, इनको जोड़ना है। तो आप क्या करें, ये जो लिखी हुई टर्म्स है ना उनको उलट दें, क्या कर दें, रिवर्स कर दें। तो रिवर्स करो तो ये हो जाएगा 100 + 99 + 3 + 2 + 1, ये हो जाएगा। करेक्ट बात है, सही बात है। अब आप क्या कीजिए, इसको बोलिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोलिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, तो इनको ऐड करें, 2s हो जाएगा ये, और ये क्या हो रहा है अपने 101, ये क्या हो रहा है अपने 101, ऐसे ऐसे अपने चलता जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 98, और वो 3 जुड़ के क्या हो जाएगा 101, ये चलता जाएगा ऐसे 101 + 101, है ना, ये चलता जाएगा। और ये ध्यान दीजिए, ये जो 101 है वो कितनी बार आएगा, ये आएगा अपने 100 टाइम्स आएगा, 100 टाइम्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 100 टर्म्स है, यहाँ पे भी 100 टर्म्स है, तो ओवरऑल उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 100 टाइम्स आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इन सारों को जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 को अगर मैं 101 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वही चीज़ अपने लिखी हुई है, सही है। और इनका अगर सम निकालना है तो अपने क्या है, ऐसी तो वो सम है, ये देखो ऐसी तो वो सम है, तो एस की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 100 × 101/2, सही है। अब इसको काटें, ये हो जाएगा 50, ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 0 5, और 0 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये अपने क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, करेक्ट है। तो ये जो प्रोसेस अपने लगाया है, वो जो फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, उसमें भी लगाते हैं। देखें, मान लो कोई एपी दे रखी है, एपी क्या है, जिसकी अपने फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, सेकंड टर्म क्या होगी उसकी a+d, थर्ड टर्म क्या होगी a+2d, और जो nth टर्म है, nth टर्म आपको पढ़ाया था मैंने, क्या होता है a+n-1 × d होता है ना,
वो एनाटम है, ठीक है। ये इसको मान लीजिए एस ही मान लीजिए, क्योंकि सम को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इस मेथड को करने के लिए इसको उलट दें, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है। इसकी जस्ट नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसकी जस्ट नेक्स्ट टर्म होगी अपने ए प्लस एन माइनस टू इन टू डी होगी, है ना। और चलते जाइए तो ये क्या आएगा आखिर में, ए प्लस डी प्लस ए आएगा, है ना, यही प्रोसेस होगा। अब आप क्या करें, इन दोनों जो इक्वेशन बनी, इन दोनों इक्वेशन को जोड़िए, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 2s, और यहाँ से क्या आ रहा है अपने a प्लस एन माइनस वन, और इसको जोड़ें तो क्या आ रहा है अपने 2a प्लस, इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ें, आपको सम करना है, इधर प्लस का साइन है अपने, ठीक है, ओके। इन दोनों को जोड़ें तो ये क्या आ रहा है, a जुड़ के क्या आ रहा है 2a प्लस क्या हो जाएगा n माइनस वन इन टू डी, ये हो गया एक, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ देखें यहाँ क्या हो जाएगा, इनको सोल्व करें, a प्लस एन माइनस वन, एन को अंदर d को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा एन डी माइनस टू डी हो जाएगा, और अपने को क्या जोड़ना है a प्लस डी, तो a प्लस डी, ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है अपने 2a, ठीक है। और एक d से एक d चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने, ओवरऑल माइनस डी बचेगा, तो यहाँ पर d अपने कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एन माइनस वन इंटू डी, तो ये टर्म आ रही है अपने 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और चलते जाइए तो यहाँ देखिए यहाँ भी यही अपने टर्म आएगी, इसमें क्या होगा आगे, इसमें आगे वाली टर्म होगी अपने a प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू डी होगा, है ना, सेम ही टर्म्स होगी, तो इनको जोड़ेंगे तो यही तो टर्म आएगी, क्या आ रही है अपने 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर क्या आ रही है अपने, वही आएगी, एक को जोड़ो तो क्या आएगी अपने 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, करेक्ट है। अब ये ध्यान से देखें, अपने नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ली थी, nth नंबर ऑफ टर्म्स ली थी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या होते हैं nth टर्म होती है, तो n नंबर ऑफ टर्म्स अपने ली थी, तो ये कितनी है, n नंबर ऑफ टर्म्स है सारी की सारी, n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे अपने क्या थी 100 टर्म्स थी तो अपने क्या किया था 100 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ एन टर्म्स है तो इसका अपने मल्टीप्लीकेशन या अपने निकालने के लिए, सम निकालने के लिए अपने एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, करेक्ट है यहाँ तक, सही है। और अपने क्या है सम क्या है, एस ही तो है, इन सारी जो ए पी जो लिखी हुई इन टर्म्स का सम क्या है, एस है, तो एस की वैल्यू निकाल दीजिए आप, क्या होगा एन बाई टू, ये क्या हो जाएगा अपने 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या आ गया अपने ओवरऑल फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, यानी कि जो पहली 20 टर्म्स होगी, पहली 30 टर्म्स होगी, कोई भी जो होती है उनका ये फॉर्मूला होता है कि उनका सम कैसे निकालेंगे, आप किसी भी एपी का सम निकाल सकते हो, है ना, 20 टर्म्स दे रखी होती है कि एन की वैल्यू 20 रखेंगे, ए दिया होगा, डी कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे। अब देखें जरा इस फॉर्मूले को आप और कैसे ढंग से लिख सकते हो वो देखते हैं, है ना, और अलग अलग तरीके से भी लिखा जाता है, ये देखो जरा, अगर मैं क्या करूँ अगर ये जो 2a प्लस एन माइनस वन है, यहाँ जो 2a है इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ a प्लस ए में, तो ध्यान से देखिए ये क्या बनेगा अपने s बराबर n बाई टू, ये क्या हो जाएगा a प्लस ए, और वहाँ पे क्या है प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, करेक्ट है। ये ध्यान से देखिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, मैंने आपको nth टर्म पढ़ाई थी, क्या होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है, ये क्या होती है nth टर्म होती है, अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप वो लेक्चर जरूर देखें, है ना। तो देखें s बराबर क्या हो जाएगा n बाई टू, ए ए प्लस ए एन हो जाएगा, करेक्ट है। ये क्या है अपने nth टर्म में, ये nth टर्म है, ये क्या है अपने फर्स्ट टर्म में, और इस n से तो आप तक आप परिचित हो गए होंगे, पिछले लेक्चर में अपने किया था, ये क्या होती है अपने नंबर ऑफ टर्म्स है, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और ये क्या है अपने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एन टर्म्स क्यों है, क्योंकि यहाँ एन आया हुआ है, ओके। और क्या लिख सकते हो आप, अगर मान लो ए एन जो है, ए एन अपनी क्या हो लास्ट टर्म हो, जैसे ए पी मान लो लिख रखा हो 1, 2, 3 अप टू 100, ये अपने क्या है nth टर्म है, nth यानी कि ए एन है, करेक्ट है। और इनका आपको सम निकालना है, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया तो nth टर्म क्या हो जाएगी, इसमें लास्ट टर्म हो जाएगी, और लास्ट टर्म को अपने रिप्रेजेंट करते हैं एल से, तो आप ए एन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, लास्ट टर्म
लिख सकते हैं। देखते हैं जो इन फॉर्मूले पे सवाल किस किस टाइप के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी अपने गिवन है, 22 टर्म्स का अपने सम निकालना है। तो सबसे पहले अपने फॉर्मूला लिखते हैं, एस 22 टर्म्स का निकालना है, या ऐसे लिख दीजिए आप सीधा। क्या होता है अपने एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखिए, अपने 22 टर्म्स का निकालना है, यानी कि n की वैल्यू अपने क्या दिख रही है, अपने पास 22 दिख रही है, और अपने क्या चाहिए, a की वैल्यू क्या है अपने 8 है, और d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 3 माइनस 8 की आ रही है अपने माइनस 5। अब इसमें रख दीजिए तो s बराबर क्या हो जाएगा 22 बाई 2, a की वैल्यू अपने 8 है तो 2 इंटू 8 प्लस n की वैल्यू 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो गई माइनस 5। तो ध्यान से करें 11 और ये हो गया 16 प्लस ये हो गया 21, 21 इंटू माइनस 5 की क्या होगा अपने 21 इंटू माइनस 5 करें तो ये होगा अपने, ठीक है ये होगा अपने माइनस 105 होगा। अब इसको घटाइए तो क्या आएगा 11, और ये होगा माइनस 89 होगा, ठीक है, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा अपने माइनस का 979। ध्यान से करें ये हो गया 11 9 जगह तो होते हैं 99 का 9 चढ़ा तो ये हो गया अपने 88 प्लस 9 क्या हो गया अपने 97, तो ये आएगा माइनस का 979। ओके आपको समझ आया कैसे किया अपन ने, ये तो था फॉर्मूला बेस। अब देखते हैं सेकंड सवाल कैसे करते हैं। तो इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 105 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, ठीक है, फाइंड द 20 टर्म। ठीक है, अपने को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अपने को जो फर्स्ट 14 टर्म यानी कि n बराबर 14 टर्म तक का जो सम है वो अपने पास गिवन है 1050, ठीक है। इसके लिए a की वैल्यू अपने पास 10 दे रखी है ना, और आपको पूछा है a20 पूछा है, तो a20 आप कैसे लिखेंगे, a20 आप लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, डी के फॉर्मूले से। तो a की वैल्यू अपने पास गिवन है 10 है, n की पिता और d निकालना है, तो d आप यहाँ से निकाल लीजिए सम वाले फॉर्मूले से। कैसे करेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। n की वैल्यू अपने पास कितनी है अभी देखी थी अपने 14 टर्म के लिए निकालना है, तो 14 बटा 2 हो जाएगा 2 इंटू 10, a की वैल्यू 10 है प्लस n की वैल्यू अपने 14 माइनस 1 हो जाएगा, 14 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा d हो जाएगा, d अपने को निकालना है यहाँ से, और s की वैल्यू अपने पास दे रखी है 1050। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा अपने 20, और ये हो जाएगा अपने माइनस का नहीं प्लस का 13 डी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें 7 को अंदर, तो ये हो जाएगा अपने 140, ये हो जाएगा अपने प्लस 91 डी। तो 140 को इधर ले जाएंगे तो आप क्या बचेगा अपने 910 बचेगा, करेक्ट है। अब 91 डी है तो 91 को इधर भेजें, 91 को आप इधर भेज दीजिए तो क्या बचेगा अपने अपॉन 91, तो ये हो जाएगा अपने 10। तो D की वैल्यू अपने क्या आ रही है 10 आ रही है, D की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई है ना, D की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई, तो D की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए और निकाल लीजिए। तो A20 निकालना है तो A की वैल्यू 10 है प्लस 20 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या है 10, तो ये आ गया 10 प्लस ये आ गया 19 इंटू 10 क्या हो गया 190, 190 प्लस 2 10 क्या हो गया अपने 200 है ना। ऐसे ही करेंगे इस सवाल को, ठीक है। आप ये प्रोसेस समझे, इस फॉर्मूले में कैसे कैसे रखते हैं, एन ए और डी की वैल्यू अपने पास पता होनी चाहिए इस फॉर्मूले में रखने के लिए। तो आप क्या कीजिए, इस दो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपन क्या करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं आगे, करते हैं दो और क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। तो ये क्या दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ए पी मस्ट बी टेकन सो दैट सम इज 78। अपने को ए पी दे रखी है और अपने सम दे रखा है 78, यानी कि ये बोल रहा है क्वेश्चन कि आप कितनी टर्म्स का सम करेंगे जिससे कि उस एपी का जो सम है वो 78 आ जाए, यानी कि एक्चुअल अपने को क्या निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखें, तो एस बराबर क्या होता है अपने एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ से अपने a की वैल्यू क्या आ रही है अपने 24, डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है अपने माइनस की 3, सही है, और s की वैल्यू अपने पास गिवन है 78, और क्या क्या गिवन है बस इतना ही है, लगा दीजिए n निकालना अपने को। तो 78 बराबर n बाई टू ये हो गया अपने, a की वैल्यू अपने क्या है 24, तो ये हो जाएगा 24 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा अपने 48 प्लस n की वैल्यू अपने पास नहीं है गिवन तो n निकालना है, d की वैल्यू अपने क्या है माइनस 3,
तो 2 को पहले इधर भेज दीजिए तो क्या आएगा अपने 6 और ये आएगा 156, 2 को इधर भेज दिया मैंने तो ये क्या होगा n बचेगा और पहले इसको सॉल्व कर लीजिए पूरा, तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा माइनस 3n प्लस का 3, तो यहाँ को 3 और 48 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा। अब क्या कीजिए आप n को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 51n माइनस, ठीक है करेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर, एकदम करेक्ट चल रहे हैं अपन। ठीक है अब अपन क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है यहाँ स्क्वायर वाली टर्म आ रही है ना, तो आप क्या कीजिए सारी वैल्यूज़ को एक साइड लाइए, तो मैं एक साइड लाता हूँ तो ये हो गया 3n स्क्वायर और माइनस 51n प्लस 156 बराबर 0। ठीक है ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए इसको फैक्टराइज मेथड से अपन सॉल्व करते हैं है ना, तो आप क्या कीजिए अपने 3 को इससे मल्टीप्लाई अपने डिवाइड कर दीजिए सारी इक्वेशन को, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 3 को अपने डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा अपने 1 और 7, ठीक है ये बचेगा प्लस यहाँ कितना बचेगा अपने 5 और 2, ठीक है करेक्ट है ये। अब अपने को फैक्टराइज मेथड लगाना है तो अपने फैक्टराइज मेथड में क्या करते हैं सेकंड टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो अपने माइनस 17n को कैसे कैसे स्प्लिट कर सकते हैं कि उसका जो अपने मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन जो है वो अपने 52 के बराबर आए और उसका जो सम है वो अपने माइनस 70n के बराबर आए, ऐसी दो टर्म्स में आपको स्प्लिट करना है, तो मैं क्या करता हूँ इसको माइनस 30n और माइनस 4n में स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है अब इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने क्या आएगा 52 आ रहा है 52n स्क्वायर, n स्क्वायर क्यों आया क्योंकि यहाँ अपने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को अपने क्या करेंगे स्प्लिट अपने मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आएगा 52n स्क्वायर आ जाएगा करेक्ट है, और इनको अगर ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है माइनस का 70n, यानी कि स्प्लिटिंग अपने की है जो सही है, तो इनको स्प्लिट करके लिख दो n स्क्वायर माइनस 30n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। ठीक है ये स्प्लिट कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ फिर अपन इधर सॉल्व करते हैं सही ढंग से। ठीक है तो देखें आप क्या करना है अपने को, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है अपने n कॉमन आ रहा है, n कॉमन लिया तो n माइनस 13 बचेगा, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है अपने माइनस का 4n कॉमन ले लूँ मैं करेक्ट है, माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच रहा है n माइनस 13 बराबर 0, यहाँ से क्या आ रहा है अपने n माइनस 13 पूरा कॉमन आ रहा है और क्या बचेगा अपने n माइनस 4 बराबर 0, n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 13 और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 4। अरे दो वैल्यूज़ कैसे आ गए, दो वैल्यूज़ क्यों आई, ये भी हो सकती है या ये भी हो सकती है, n बराबर 13 यानी कि 13 टर्म्स अगर आप जोड़ेंगे तो भी अपने 78 आ सकता है और n बराबर 4 जोड़ेंगे तो भी अपने आ सकता है, यानी कि ये दो पॉसिबिलिटी अपने बन सकती है n बराबर 13 और n बराबर 4 इसका आंसर हो गया। समझे आप कैसे किया मैंने, सबसे पहले a d और s अपने अपने क्वेश्चंस में दे रखा है उस हिसाब से अपन क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो इस टाइप के आप क्वेश्चन सोल्व करें और आगे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, 24 टर्म्स का अपने सम निकालना है ठीक है, ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन, अपने nth टर्म दे रखा, अरे यार ये क्या सवाल हो गया, अब इस बार nth टर्म दे रखा है और 24 टर्म्स का अपने पूछा है, ना तो अपने a गिवन है और a भी नहीं गिवन है, d भी नहीं गिवन है, n तो अपने गिवन है चलो 24 है, a और d आप कैसे निकालेंगे बताओ मेरे को, उसके लिए ap चाहिए, ap के लिए आप क्या करें आपको an दे रखा है, an दे रखा है तो आप n की वैल्यू रखते जाइए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो ap बन जाएगी, ap बन जाएगी तो a पता चल जाएगा d पता चल जाएगा करेक्ट है, तो आप निकाल लीजिए फर्स्ट टर्म a फर्स्ट, n की वैल्यू 1 रखी मैंने तो 3 प्लस 2 इंटू 1 हो गया 2, तो ये हो गया अपने 5, सेकंड टर्म निकालिए आप 3 प्लस 2 रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो ये आएगा 7, और थर्ड टर्म निकाल लीजिए आप तो 3 प्लस ये हो जाएगा 6, ऐसे ऐसे करके ये एपी अपने चलती जाएगी ठीक है, तो एपी क्या बनी 5 7 9 और ये चलती जा रही है ठीक है, ये क्या अपने फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या आ रही है 5, कॉमन डिफरेंस डी कितना आएगा 7 माइनस 5 कितना आ रहा है अपने 2 करेक्ट है सही है, ए निकल गया डी निकल गया एन तो अपने गिवन है तो रख दीजिए आप, एस बराबर क्या होता है अपने एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेक्ट है, एन की वैल्यू अपने पास गिवन है 24 बाई टू ठीक है, ए की वैल्यू अपन ने निकाली अभी 5 5 इंटू टू क्या हो गया 10
प्लस एन की वैल्यू क्या है 24, तो 24 में से एक या 23, 23 इंटू डी कितना है अपने, डी अपने 2 है, तो 23 इंटू 2 आप कर लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आएगा 12 और ये हो जाएगा 10 प्लस 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा अपने 56 आ रहा है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है मल्टीप्लाई करें आप जल्दी 12 छंग होता है अपने 72 का 7, 12 पंजे कितना होता है 60 और ये हो गया 67, तो यहाँ से अपने s की वैल्यू कितनी आ रही है 672 आ रही है। समझे आप कैसे किया, मैंने कैसे किया, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या किया हुआ था अपने an किया हुआ था, तो अपने a की अपने ap निकाल ली, यहाँ से फर्स्ट टर्म आ गया और क्या आ गया d आ गया, फिर अपन ने उसी फॉर्मूले का यूज़ किया, तो आप क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपन क्या करते हैं कुछ और सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए दो क्वेश्चंस की ओर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो देखें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने, लास्ट टर्म अपने 28 दे रखी है, एस की वैल्यू 144 दे रखी है और टोटल टर्म अपने 9 दे रखी है, ठीक है तो देखें कैसे करेंगे इस सवाल को। तो लास्ट टर्म दे रखी है यानी अपन लिख सकते हैं उस फॉर्मुलेशन को एन बाई टू, टू ए को आप तोड़ सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में, करेक्ट है, और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को आप क्या लिख सकते हैं an, और an यहाँ क्या होगी अपने लास्ट टर्म हो जाएगी, है ना लास्ट टर्म हो जाएगी, तो इसको लिख दीजिए ये हो जाएगा n बाई टू ए प्लस an हो जाएगा, यहाँ s हो गया, s की वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी 144 और n की वैल्यू अपने गिवन है 9 बाई टू, ठीक है a की वैल्यू अपने पास निकालनी है, लास्ट टर्म अपने गिवन है 28, अब तो सवाल हो गया तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ जाएगा 882, करेक्ट है 882, ठीक है ये हो गया 9a प्लस यहाँ से कितना आएगा अपने 252, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ रहा है अपने 252, अब 252 को इधर भेजें तो यहाँ से आएगा अपने 36, ये आएगा 9a और a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है अपने 4 आ रही है, कितनी आ रही है a की वैल्यू 4, वही तो क्वेश्चन पूछा था अपने फाइंड फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू अपने क्या आ रही है 4 आ रही है, कैसे मैंने किया इसको अपने क्या बोल दिया an है, ये an को अपने क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्यों बोला क्योंकि nth जो टर्म आती है किसी किसी एपी में अपनी क्या बन जाती है लास्ट टर्म बन जाती है, ओके तो देखें इस क्वेश्चन को, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे गिवन क्या अपने सेकंड और थर्ड टर्म अपनी गिवन है, तो अपने को फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी आपको फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगा डी निकालना पड़ेगा, तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे आप 14 और 18, डी तो अपने को पता चल गया इनके बीच कितने का 4 का डिफरेंस है, तो ये फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 10 हो जाएगी, सही बात है कि नहीं, 10 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो यहाँ से कितना आ रहा है 14 में भी 4 जोड़ोगे तो कितना आ रहा है अपने 18, है ना, तो इससे पता चला कि कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, पता कैसे चला क्योंकि सेकेंड टर्म अपने 14 थी और ये क्या था 18, तो 18 में से 14 घटा के देखो तो क्या आ रहा है अपने 4, और 4 का सब में डिफरेंस है, तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी अपने 10 हो जाएगी, तो गिवन फर्स्ट टर्म अपने कितनी होगी 10 होगी, कॉमन डिफरेंस अपने क्या हो गया 4 हो गया, और n की वैल्यू अपने क्या है 51 है, बस हो गया, है ना हो गया ना, तो चलिए देखते हैं अब 51 टर्म्स का निकालना है, तो s बराबर हो जाएगा n बाई टू और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है तो ये हो जाएगा 51 बाई टू, ठीक है, और a की वैल्यू अपने पास कितनी है अभी निकालिए अपन ने 10, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा ये, प्लस n की वैल्यू अपने कितनी हो गई 51 में से 1 गया तो 50, d की वैल्यू अपनी क्या है 4, अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए आप जल्दी से जल्दी, तो कैलकुलेट करें यहाँ से कितना आ रहा है अपने, यहाँ से आ रहा है s की वैल्यू अपने 51 बाई 2 और ये हो गया अपने 20 प्लस ये हो गया अपने 200 हो गया, तो यहाँ से कितना आ रहा है अपने 220, तो 51 बाई 2 इंटू 220 आ रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए ये हो गया 110, तो 51 इंटू 110 बराबर s की वैल्यू आई तो 11 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आएगा 11 फाइव जा कितने होते हैं अपने 55 प्लस 1 कितना हो गया अपने 56 और ये हो गया 0, तो s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 5610 आ रही है, क्या आ रही है 5610। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के साथ आपका जो एपी चैप्टर है वो कम्प्लीट होता है, ओके तो अब क्या करते हैं अपन इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, और
अगला जो लेक्चर आएगा वो अपने एपी के प्रैक्टिस पे आएगा, है ना। एक अपन क्या रख लेते हैं, प्रैक्टिस सेशन रख लेते हैं, जिससे आपके सारे के सारे कंसेप्ट अपने रिवाइज हो जाएंगे और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप इसी के साथ खूब हार्डवर्क करें, खूब मेहनत लगा के पढ़ें और इस लेक्चर को आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दें, ताकि जो नया वीडियो आए उसकी जो घंटी है वो दिमाग में बज जाए। तो चलते हैं, धन्यवाद।